राजधानी एक बार फिर से संचार हुई है, देख सकती है नजारा की पटना के जो ऑनर है उसको ले गया। लेकिन एक बड़ा सवाल करता सवाल खड़ा करता है कि आए दिन ये मामला आते हैं कि छोटी बच्ची के साथ लगातार वो छेड़खानी करता था। इससे पहले भी छेड़खानी किया था लेकिन उसके बाद लोगों ने उसके जमकर पिटाई की थी, लेकिन आज मामला कुछ ज़्यादा तूल पकड़ लिया जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफ़ी उग्र हो गए और आप देख सकते हैं किस तरह लोगों के जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि मौके पर पिथौर थाना की पुलिस पहुँच कर जो दुकानदार है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर लिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बीएम जांच का नजारा है जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, क्या हुआ गलत किया तो हम मीडिया को इन्फॉर्म करना जरूरी समझे। क्या पहले भी मतलब तो पब्लिक बोल रहे गार्जियन भी बोल रहे हैं कि पहले भी चार पांच बार हो चुका है, ये पांच तो एक्शन ये इतने जोड़ दिया गया वो भी लिया गया कि अगर हम मीडिया को नहीं ये करते इन्फॉर्म ना तो ये भी एक्शन फिर थाना ही तक रह जाता, मीडिया को खबर बाद में क्या पुलिस आके बोले पुलिस आके ले गए देखिए आगे कार्रवाई क्या होगा। स्थानीय विष्णु कुमार है जिन्होंने कहा कि ये जो दुकानदार है पहले भी ये घटना ऐसी कर चुके हैं लेकिन आज आकर उसे हिरासत में ले लिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सहयोगी आनंद के साथ मैं प्रधान पटना है। कोई नहीं मारे ठीक है चाहना देखो तो जाना चलिए खाना पहुंचिए चाहे हमारा गाड़ी आप लोग पहुंचिए है 16 की पुलिस से पकड़वा देंगे सारा परिवार के। मैडम थोड़ा साइड चलिए चलिए आप थाने पे सुनिए मैडम उनके गार्जियन कहाँ बच्ची का गार्जियन कहाँ बच्ची का गार्जियन एक मिनट बच्चा का फोटो मत।